मनीषा अपने अधूरे ख्वाबों के साथ इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है और अपनी मौत के पीछे कई अनसुलझे राज छोड़ गई है जिसकी फिर से तलाश हो रही है। मौत के पहले 15 मिनट का सुराग पुलिस लगातार तलाश रही है। सत्रह गवाही में कैद शिजान का गुनाह। तीन बजे शिजान के साथ लव लंच। सवा तीन बजे सुसाइड वाली मिस्ट्री। तनिषा की मौत से पहले की वो 15 मिनट जो तनिषा शहजादी थी जिसकी जिंदगी के ख्वाब अधूरे थे, उस अधूरेपन के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। लेकिन इसकी खामोशी ने हजारों सवालों को जिंदा कर दिया है जिसका जवाब तलाशने में जांच टीमें जुटी हैं। पुलिस और जांच टीम के लिए सबसे उलझी हुई गुत्थी तो उन आखिरी 15 मिनट की है जो तनिषा की जिंदगी और मौत के बीच के 15 मिनट हैं। सूत्र बताते हैं कि तनिषा की मौत दुनिया के सामने आने से पहले वो उस दिन 3 बजे शिजान के साथ मेकअप रूम में लंच कर रही थी और 3:15 बजे उसकी लाश मिली। तो आखिर इन 15 मिनटों में ऐसा क्या हुआ कि 20 साल की तनिषा का जिंदगी से प्यार जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया या किसी ने खत्म कर दिया? इन आखिरी 15 मिनटों में तनिषा की डेथ मिस्ट्री का पूरा सच छिपा है। पुलिस और जांच टीम इस हर हिस्से से जुड़े सुराग तलाशने में जुटी है। इधर शिजान के गुनाह 17 गवाहों के बयान में दर्ज हो चुके हैं। अब तक शिजान के खिलाफ तनिषा के दोस्तों और रिश्तेदारों के 17 बयान दर्ज किए गए हैं। तनिषा और शिजान के फोन की फॉरेंसिक जांच भी चल रही है। पुलिस दोनों के कॉल और चैट हिस्ट्री का बैकअप लेकर ये जांच करेगी कि दोनों के बीच क्या कुछ हुआ था। 20 साल की तनिषा ने बीते शनिवार को वसई इलाके में मौजूद अपने टीवी शो के सेट पर फांसी लगा ली थी। एक्ट्रेस ने वॉशरूम में आत्महत्या की। सेट पर मौजूद लोग दरवाजा तोड़कर एक्ट्रेस को अस्पताल ले गए तो वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। तनिषा शर्मा के सुसाइड ने पूरी इंडस्ट्री और उनके परिवार वालों को हिलाकर रख दिया। तनिषा की मां का अब भी रो रो कर बुरा हाल है। बेटी के लिए न्याय मांगा है। कटघरे में खड़े हैं शिजान खान। उन पर एक्ट्रेस की मां ने खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है। शिजान ने ब्रेकअप और तनिषा संग रिश्ते पर भी पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। एक्ट्रेस के एक्स बॉयफ्रेंड शिजान खान 28 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स। अब एएमयू में ये रील नहीं रियल लाइफ वाली कश्मीर फाइल्स बन गई है। तमंचा लहराते गैर कश्मीरी छात्र कश्मीरी छात्रों के ना जाने क्यों दुश्मन बन बैठे हैं। एएमयू कैंपस है या जंग का मैदान? भीड़ में तमंचा लहराता नौजवान। कश्मीरी छात्रों के दुश्मन कौन? एमयू कैंपस में जिस वक्त कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की गई थी उस दौरान कश्मीरी छात्र इकट्ठा होकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि उस दौरान मारपीट करने वाले छात्र भारी तादाद में इकट्ठा होकर बाबे सैयद गेट पर आ गए थे और कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की थी। ये उसी दौरान की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 100 से ज्यादा छात्र दिखाई दे रहे हैं। कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट करते हुए ये नजर आ रहे हैं। इस दौरान कई छात्रों के हाथ में तमंचे भी नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 3 महीने में कश्मीरी छात्रों के साथ कई मामले पेश आए।
जिस जो मामला हमने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉक्टर, रजिस्टर और इनफैक्ट वीसी की नोटिस में लाया था, लेकिन पिछले 3 महीनों में मारपीट के मामले में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। कल भी एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर वाका पेश आया, कट्टा लिखे घूम रहे हैं। प्रशासन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, हालांकि हमने कई बार उनकी नोटिस में मामला भी उठाया था। लेकिन अब कैंपस में कश्मीरी छात्रों के साथ हो रही मारपीट का मामला सियासी भी हो चुका है। कश्मीरी छात्र अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के पास पहुंचे और ज्ञापन देते हुए मारपीट करने और हथियार लहराने वाले छात्रों पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद सांसद सतीश गौतम ने कहा एमयू में हथियार मिलेंगे, तलाशी होनी चाहिए। मैं पहले भी कहता रहा हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनकी तलाशी होनी चाहिए, खुलेआम वहां पर हथियार दिखाई दे रहे हैं, कट्टे दिखाई दे रहे हैं, पिस्टल दिखाई दे रही है, बच्चे हाथों में लेके घूम रहे हैं। मेरी बीसी से, प्रॉक्टर से और रजिस्ट्रार से, तीनों से बात हुई है। अभी मेरी रजिस्ट्रार जी से, इमरान जी से बात हुई है, वो स्वयं आईपीएस हैं। उन्होंने कहा सांसद जी मैं कार्रवाई कराऊंगा। मेरा सीधा है जिस लड़कों के हाथ में वो हथियार दिखाई दे रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनको अरेस्ट किया जाएगा, यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किया जाएगा, सस्पेंड होने के बाद उनका गेट बंद होगा। एमयू के कार्यवाहक प्रॉक्टर सैयद अली नवाज जैदी का कहना है कि विवाद गेट बंद करने को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक किसी पक्ष ने लिखित तो शिकायत नहीं दी है। हम इसकी सत्यता क्या है अभी हम जांच कर रहे हैं इसकी, और ये हो सकता है कि उस वक्त का वीडियो हो, क्योंकि उस वक्त अंधेरा था वहाँ पर गेट पे और अब क्लैश भी हुआ था। अब इसमें क्या चीज़ें थी इसकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा, और इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर जो भी नियम कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। आए दिन एमयू के छात्र अपनी आपराधिक छवि वाली तस्वीरों से सुर्खियों में आ रहे हैं, और अब कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट का मामला एक नया बवाल बनकर सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को ईडी ने इन दिनों अपनी कस्टडी में ले रखा है। मुख्तार अंसारी की ईडी के कस्टडी रिमांड का 14 दिन पूरा हो चुका है। 14वें दिन डॉन पर सवालों का चौतरफा हमला हुआ है। ईडी की टीम मुख्तार अंसारी को कल कोर्ट में पेश करेगी। चौदहवें दिन मुख्तार से चौतरफा सवाल, पूछताछ के बाद चार्जशीट का शिकंजा, एक साथ 3 चार्जशीट में घिरेगा डॉन। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर आज का दिन और आज की रात भी भारी है, क्योंकि ईडी की पूछताछ पूरी होने के बाद डॉन के गले में चार्जशीट का फंदा भी पड़ने वाला है। सूत्रों की माने तो पूछताछ के बाद ईडी एक नहीं दो नहीं डॉन के खिलाफ एक साथ 3 चार्जशीट दाखिल करने वाली है, क्योंकि मुख्तार अंसारी से एक साथ 3 मामलों में पूछताछ चल रही है। मुख्तार अंसारी से 14वें और आखिरी दिन आज प्रयागराज स्थित दफ्तर में ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। आज अंतिम दिन भी मुख्तार अंसारी से तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि आज किसी नए बिंदु पर पूछताछ करने के बजाय पुराने मामलों में ही बयान दर्ज किया जा रहा है। मुख्तार से आज भी उसकी फरार पत्नी अफशा अंसारी, जेल में बंद बीएसपी सांसद अतुल राय से रिश्तों, विधायक निधि के दुरुपयोग के आरोपों, अवैध और बेनामी संपत्तियों, पंजाब जेल में रहते हुए लोगों को धमकाने और दंगदारी वसूलने, सिंगल टेंडर के जरिए ठेके वसूलने, सरकारी जमीन पर कब्जा करने, परिवार और ससुराल की कंपनियों के गठन, वित्तीय लेन देन और बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल फोन के इस्तेमाल जैसे बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। बिंदुओं पर पहले बयान दर्ज किए जा चुके हैं, पहले पूछताछ की जा चुकी है, उन्हीं बिंदुओं पर आज एक बार फिर से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी से ईडी की टीम की पूछताछ का आज का फोकस जो है उसकी फरार पत्नी अफशा अंसारी के बारे में, पंजाब की जेल में रहते हुए हासिल किए गए ठेकों के बारे में, सरकारी अफसरों और कर्मचारियों से मिली भगत के बारे में, संपत्तियों के बारे में, विधायक निधि के दुरुपयोग के बारे में, और इसके साथ साथ बीएसपी सांसद अतुल राय से रिश्तों के
बारे में पूछताछ की जा रही है और आज जो अंतिम पूछताछ की जा रही है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है। 14वें दिन की पूछताछ की भी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी को 14 दिसंबर से अपनी कस्टडी में ले रखा है। जांच एजेंसी बाहुबली से प्रयागराज स्थित दफ्तर में पूछताछ कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्तार से पूछताछ खत्म होने के बाद ईडी की टीम जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बिजनौर में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जंगलों में बनी अवैध भट्टियों में तैयार हो रही कच्ची शराब की बड़ी खेप को नष्ट किया है। जंगल में चप्पे चप्पे पर पुलिस। झाड़ियों में तलाश रही सुराग। घरों में भी पुलिस मार रही छापा। बिजनौर के घने जंगलों में पुलिस की पूरी टीम एक खास मिशन पर निकली है। एक दो नहीं, पुलिस का पूरा दस्ता जंगल की खाक छान रहा है। तलाश है उन शराब की भट्टियों की जो इन दिनों जंगल में धधक रही हैं और गरीबों के लिए मौत का सामान तैयार कर रही हैं। बिजनौर में पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद शराब माफिया पिछले कई सालों से कच्ची शराब बनाने का गोरख धंधा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शहरों से निकलकर अब जंगलों को इन्होंने अपना महफूज अड्डा बना लिया है। इसी दौरान बिजनौर पुलिस और आबकारी विभाग को यह इनपुट मिला कि भारी मात्रा में जंगल में कच्ची शराब बनाई जा रही है। अवैध शराब का कारोबार करने वाले शराब माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसने के लिहाज से ड्रोन कैमरे के जरिए घने जंगलों में बन रही कच्ची शराब के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी कर 900 लीटर कच्ची शराब और 10,000 लीटर लहन बरामद किया है। शराब बनाने के कई उपकरण को भी बरामद किया गया है। 4 फरार शराब माफियाओं के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर तलाश भी शुरू कर दी गई है। क्षेत्राधिकारी नगीना अफजलगढ़ व बड़ापुर एवं दो अन्य थानों की टीम तथा आबकारी विभाग के साथ संयुक्त रूप से मधेपुरी कुआखेड़ी के जंगलों में जो है दबिश दी गई, साथ में ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई गई, तो दोनों जंगलों में अवैध भट्टी चलती हुई पाई गई और मौके से जो अभियुक्त थे वो जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। जानकारी करने पर जो अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति थे उनमें कुलविंदर, बलविंदर, सतनाम, सोनू 4 लोगों का नाम आया है। इस संबंध में थाना बड़ापुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा मौके से करीब 900 लीटर अवैध मदिरा व 10,000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। शासन की मंशा के तहत नशा मुक्ति अभियान को अमली जामा पहनाने के मकसद से पुलिस के अफसर आए दिन जंगलों की खाक छान रहे हैं। पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है क्योंकि नए साल के मौके पर अवैध शराब का गोरख धंधा भी खूब फलता फूलता है। सरफराज खान, एबीपी गंगा, बिजनौर। एक महिला अपने साथियों और बॉस के साथ मेला घूमने गई थी लेकिन बदमाशों की बुरी नीयत का शिकार हो गई क्योंकि मेले में झूले वाला मुजरिम मौजूद था जिसने महिला को बैट टच किया। महिला से बैट टच पर बवाल मच गया। थाने पहुंची एक महिला की फरियाद। मेले में झूले वाले ने किया अपराध। बॉस के साथ घूमने आई थी मेला। थाने पहुंची ये महिला रो रो कर अपने साथ हुई आप बीती सुना रही है और पुलिस से मदद की गुहार लगा रही है। मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ है।
बहुत तेजी से मरोड़ दिया गया, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ से मुझे पकड़ के खींच के पुलिस लेके आई हुई है, महिला पुलिस जबरदस्ती खींच के लेके आई हुई है। महिला का इल्जाम है कि वो यूपी महोत्सव में लगे मेले में घूमने आई थी, जब वो झूला झूल कर उतर रही थी, इसी दौरान इसके साथ अभद्रता की गई। मैं झूले से उतर रही थी, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे झूला वालों ने किया है। अब जरा इस महिला के साथ आए इन पुरुषों का हाल भी देख लीजिए। किसी का सिर फूटा है, किसी को पीट पीट कर लहू लुहान किया गया है। सर भाई अच्छा। आपस में तीन लोग काम करते हैं सर, हम इनको सर मैं ये झूला झूल रही थी, इनके साथ छेड़छाड़ हुई सर, मैं बचाने गया। महिला ने झूला वाले और उसके साथियों पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया है। पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आई कि महिला अपने बॉस और सहयोगियों के साथ मेला घूमने आई थी, जिसके बाद झूले वाले से विवाद हुआ, बात इतनी बढ़ी कि मारपीट की नौबत आई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।